あいうえおかきくけこ さしそたちつてとなにぬねねの はひふへほまみむめも या यू यो रा री रू रे रो वा वो एंड ये हो गया सारे हिरागाना कैरेक्टर्स। अब इसमें क्या है, जो लाइंस लेफ्ट टू राइट जा रहा है इसे रो बोलते हैं, और जो लाइन टॉप टू बॉटम जा रहा है उसे लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हिरागाना का जो फर्स्ट पांच लेटर है, फर्स्ट लाइन, ये सारे जैपनीज वॉवल्स है, और इसको छोड़ के बाकी सारे जितने हैं सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ये फर्स्ट जो लाइन है ये वॉवल है और बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। फर्स्ट पांच वॉवल के साउंड्स ये है आ ई ऊ ए ओ, और उसके बाद नीचे जितने कैरेक्टर्स हैं वो साउंड जो तैयार हो रहा है वो दोनों ऐड होके होते हैं। जैसे ये के साउंड्स है सेकंड लाइन का, तो फर्स्ट जो लेटर है आ ई ऊ ए ओ, ठीक है, और फर्स्ट जो लेटर है इसका साउंड हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, फिर इसका साउंड होगा का। सेकंड जो लेटर है इसका साउंड हो जाएगा की, के एंड आई जुड़ जाएगा इस तरह का। थर्ड जो लाइन है ये एस साउंड्स होते हैं, फर्स्ट जो लेटर है ये एस और ए दोनों मिलके होगा सा, सेकंड जो लेटर है ये दोनों मिलके होगा सी, बट इसका प्रोनाउंसिएशन है शी, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है तो इसे सी लिखा जाता है, फिर इसके बाद हो जाएगा सू। तो चलिए इस तरह का हम लोग पढ़ते रहेंगे। आज फर्स्ट जो लाइन है, जो फर्स्ट पांच जैपनीज वॉवल्स है, वो पांच साउंड्स और पांच कैरेक्टर्स को सीखते हैं। तो फर्स्ट जो लाइन है इसे आ लाइन भी बोला जाता है, आ रो बोला जाता है, जिसमें फर्स्ट लेटर है आपका आ ई ऊ ए एंड ओ, आ ई ऊ ए एंड ओ। आ किस प्रकार लिखा जाएगा, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक,
फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक एंड थर्ड स्ट्रोक. इची नी सान, ये सेकेंड जो कैरेक्टर है ये ई ई. फर्स्ट स्ट्रोक ऊपर से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे एक हाने आएगा. इस दिस इज कॉल्ड एक्चुअली हाने, और ये सेकेंड लाइन है. तो इसमें दो लाइन है, इची नी, इस तरह लिखा जाता है. थर्ड जो कैरेक्टर है ये है ऊ, इची नी. ये फर्स्ट लाइन ये है, ये सेकेंड लाइन है. थर्ड फोर्थ जो कैरेक्टर है ये ए, जो इंग्लिश जेड की तरह थोड़ा सा दिखने में होता है. इसे दो इसमें लाइन्स है, वन एंड टू. एंड फिफ्थ जो कैरेक्टर है वो है ओ, इची नी सान. तो इसमें तीन लाइन है, वन टू एंड थ्री. तो ये फर्स्ट लाइन, इसको फर्स्ट जो रो है आ रो, इसमें पांच कैरेक्टर्स है, आ ई उ ए ओ. Thank you.